नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। नागपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए पालक मंत्री नितिन राउत ने पिछले दिनों लॉकडाउन लगाया था, लेकिन अब जिला प्रशासन ने लॉकडाउन हटाने का निर्णय लिया है। नागपुर विभागीय आयुक्त कार्यालय में कल पालक मंत्री नितिन राउत की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। पहले तो मैं नागपुर जिले के तमाम हमारे सम्माननीय नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा यह समय हमें बड़े अच्छे से गुजारने में मदद की है। बहुत बड़े पैमाने पे हमारा वैक्सीनेशन भी हो रहा है, 250 के आसपास सेंटर पूरे जिले में चल रहे हैं और तकरीबन अच्छे इससे हम यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। बीच में थोड़ी सी कमी ये होली के वजह से आई, वो भी शायद कल से दूर होगी। कल से हम 45 साल के ऊपर जितने भी हमारे नागरिक हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन करने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले महीने डेढ़ महीने के अंदर हमारा जो टारगेट है यहाँ का, वो टारगेट हम पूरा कर रहे हैं। समस्या है नागपुर में बेड मरीजों को नहीं मिल रहा। बेड की समस्या के बारे में मैं अभी खुद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज दोनों जगह जा रहा हूँ, दोनों जगह व्यवस्थाएँ देखने वाला हूँ। साथ में हमने ग्रामीण इलाकों के लिए कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं, तहसीलदार तालुका लेवल पर रहेगा, जिला लेवल पर उपजिलाधिकारी रहेंगे, महानगर पालिका क्षेत्र में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर श्री जलाल शर्मा जी ये कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे और हम बेड मैनेजमेंट को ठीक ढंग से करेंगे।